हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कमल नंदलाल आप सभी व्यूवर्स का कुंडली टीवी की खास पेशकश कल क्या करें क्या ना करें मैं वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कल क्या करना है और क्या नहीं, और एक ख़ास बात प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताऊँगा, एक विशेष उपाय भी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि क्या करें, मछलियों को दाना डालें। मेष राशि क्या ना करें, खाने में हल्दी का इस्तेमाल ना करें। वृष राशि क्या करें, बेडरूम में लैंप रखें। वृष राशि क्या ना करें, परिवार के अलावा किसी पर भरोसा ना करें। मिथुन राशि क्या करें, तुलसी की माला पहनें। मिथुन राशि क्या ना करें, ज्यादा भागदौड़ ना करें। कर्क राशि क्या करें, दूध में फिटकरी डालकर पिएं। कर्क राशि क्या ना करें, माता पिता से तेज आवाज में बात ना करें। सिंह राशि क्या करें, महालक्ष्मी का स्मरण करें। सिंह राशि क्या ना करें, लेदर की चीजें ना पहनें। कन्या राशि क्या करें, किसी असहाय की मदद करें। कन्या राशि क्या ना करें, कोई बड़ी डील ना करें। तो फ्रेंड्स, अब स्पेशल अनाउंसमेंट आपके लिए, कुंडली टीवी पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम किस्मत जंक्शन जरूर देखें, और प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आज का विशेष उपाय। तब तक बने रहे मेरे साथ। तुला राशि क्या करें, छोटे बच्चों को भोजन कराएं। तुला राशि क्या ना करें, पार्टनर से किए हुए वादे ना तोड़ें। वृश्चिक राशि क्या करें, दो इलायची अपने पास रखें। वृश्चिक राशि क्या ना करें, झूठ के सहारे नई शुरुआत ना करें। धनु राशि क्या करें, छोटे भाई बहन को पैसे दें। धनु राशि क्या ना करें, दूसरों की सलाह पर काम ना करें। मकर राशि क्या करें, लाल पेन दिन भर पास रखें। मकर राशि क्या ना करें, अपना विवेक न खोएं। कुंभ राशि क्या करें, हल्दी की 5 गांठें पूजा स्थल में रखें। कुंभ राशि क्या ना करें, मन की बात कहने में ना हिचकिचाएं। मीन राशि क्या करें, एक कपूर घर में जलाएं। मीन राशि क्या ना करें, आज किसी तरह की परेशानी में न पड़े। तो अब समय आज के विशेष उपाय का। ये विशेष उपाय उन बच्चों के लिए है या उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके दिमाग में हमेशा अश्लील बातें चलती रहती हैं, क्योंकि मन मनोरमा है। अगर मन में ही अश्लीलता है तो व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाएगा, किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये उपाय आपको लगातार 8 दिन करना है। आपको नारियल पर मौली लपेटनी है, और मौली लपेटने के बाद में नारियल को सिर से 8 बार वारना है, और यही कामना करनी है कि मेरे मन में जो अश्लीलता है, मेरे मन के अंदर जो गंदी बातें चल रही हैं, उनसे मुझे छुटकारा मिले। और ये नारियल 8 बार सिर से वारने के बाद में आपको किसी भी बहते पानी में जल प्रवाह कर देगा। कल क्या करें और क्या ना करें मैं बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जहां मैं आपको बताऊंगा आपको परसों क्या करना है और क्या नहीं। तब तक के लिए कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। लेकिन एक ख़ास और ज़रूरी बात, हमारा YouTube चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।